मरे तो भी समाज के लिए, जिए तो भी समाज के लिए। और संजय पराशर अपने पूर्वजों की कसम खाता है, हर फौजी को प्रणाम करते हुए उसके चरणों की धूल अपने सर माथे लगाकर कहता है, जिएगा तो समाज के लिए जिएगा, ईमानदारी से एक एक सांस का हिसाब देगा, और जब मरेगा चिंता मत करना। सपूत दिए, मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार ऐसा दिल खोल कर बोले कि अंबर से सूरज और चमके और चांदनी रात भी आज करगिल में सल्यूट मारे। इसलिए अपने तहे दिल से वीर सेनानी जो जिनको आज हमने हार पहनाया और जिन्होंने जिंदगी में कई बार तिरंगे को सल्यूट लगाया, जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल की लड़ाई मैं इसलिए भी भूल नहीं सकता कि मैं उस समय जहाज पर था और मेरा भाई उस समय नया नया फौज में भर्ती हुआ और उसकी भी ड्यूटी कश्मीर में लगी। कारगिल को मैं इसलिए भी भूल नहीं सकता कि उससे पहले लाहौर बस यात्रा हुई और देश के प्रधानमंत्री ने बोला, दुश्मनियां बहुत देखी, आइए एक बार दोस्ती के दायरे में बात करें। पर गद्दार गद्दार होता है, वफादार वफादार होता है, और गद्दार को कौन सी भाषा में सिखाना चाहिए, जिन्होंने हार पहने हैं और जिन्होंने जिंदगी में हार पहनाए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली भारत की सेना को मैं प्रणाम करता हूं। क्या बात करूं मैं उस सेना की जिसने आजादी के बाद ही हिमाचल के पहले परमवीर चक्र को हिमाचल से दिया और उसने आज कश्मीर हमें दिया और कश्मीर हमारा बचा के रखा। ऐसे पहले परमवीर चक्र शर्मा जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृति में जोरदार तालियां। 47 गया सुधरे नहीं, 65 आई गया। आप में से कई हैं जिन्होंने उस समय अपने होशो आवास में 65 भी देखा। जय जवान जय किसान का नारा लगा, वहां पर भी थके नहीं। 1971 आ गया, जो मुल्क की पैदाइश होती है वो मुल्क की मृत्यु भी होती है। जो मुल्क सनातन धर्मी है, हजारों सालों से है, वो अमर है और अमर रहेगा, ये हमारा दावा है। इसलिए 71 में हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजनर ऑफ वॉर बनी, पाकिस्तान की सेना, और हमने एक मुल्क बनाया। ये भारत की पहचान है, ये आपकी पहचान है, ये आपका शौर्य है जिसको हम प्रणाम करते हैं। आपके शौर्य में प्रणाम करते हुए स्टेज पे कमांडर और कर्नल साहब और यहाँ पर जितने वीर सेनानी बैठे हैं, अगर हमने पुष्प आपके गले में डाले तो ये पुष्प भी बोल रहे हैं, जहां मुझे शोभा देनी चाहिए मैं आज उसकी छाती से लग के खड़ा हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये पुष्प माला भेजी। अगर कोई हम में से रह गया जिसको हमने पुष्प से समर्पित करना था, मैं उसको अपने जीवन की सारी जिंदगी की पूंजी से भगवान के नाम के बनाए हुए पुष्प समर्पित करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं, और ये प्रार्थना करता हूं, कोई तो माँ है जिसने विक्रम बत्रा को ये तो सिखाया दिल मांगे मोर, और कोई तो है जिसने पाकिस्तान को ये सिखाया कारगिल छोड़ दो, सियाचिन ग्लेशियर ना कभी तुम्हारा था, ना कभी तुम्हारे बाप का है, और ना कभी तुम्हारी औलाद का होगा। अभी मैं जिंदाबाद की अपेक्षा रखता हूं और मैं 2-4 सैनिकों के नाम लूंगा, आप जिंदाबाद कहना। शहीद विक्रम बत्रा, शहीद विक्रम बत्रा, शहीद सौरभ कालिया, ये है हमारी पहचान, ये जिंदाबाद है, और ये अमर हैं। ये अमर इसलिए हैं कि जब मई के महीने में जिस खुराफाती मेजर
जो बाद में जाके जनरल बना मुशर्रफ, उसको जब हिंदुस्तान की सेना ने 1984 में उसके घुटने टेक टिकवा दिए, कहां पर? सियाचिन में। उसको क्या लगा कि सियाचिन में जो घुटने टेके हैं उसका मैं बदला लूंगा? आपने बात नहीं करनी है। सियाचिन में उसको क्या लगा कि मैं अपनी हिस्सेदारी लूंगा? ऐसे नलायक जनरल अगर पैदा होते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान में पैदा होते हैं, चाहे यहा खान था, चाहे याकूब खान था, चाहे जियाउल्लाह था। एंड शेम ऑन पाकिस्तान कि ऐसी औलाद पैदा करते करते नहीं थकते। और हमें देखो, पहले परमवीर चक्र से लेकर आज के परमवीर चक्रों की गणना बनाओ, हमने कभी भी शांतिप्रिय देश होकर किसी पे आक्रमण नहीं किया। पर जब करेंगे तो मैं आपको बता दूं, विश्व गुरु तय करेगा कि दुनिया में किसका अस्तित्व रहेगा और दुनिया में किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। कारगिल में टेम्परेचर क्या था? आज तो हम यहां पर आराम से सुकून में बैठे हैं, अभी हमने भारत माता की जय बोला, सूरज भी बादलों से छट के चमक रहा है, बड़ी में अपनी धूप दे रहा है, बोल रहा है चिंता मत करो, कारगिल विजय दिवस है, मनाओ। और उस समय टेम्परेचर कारगिल का -20 डिग्री, 3 दिन तक एक दाना खाने का लेकर जाएंगे तो एक गोली नहीं लेके जाएंगे, इसलिए गोलियां लेकर गए अपने पिट्ठू में बांध के, खड़ी चढ़ाई 90 डिग्री वाली, और ग्रेनेडियर्स जैक राइफल राजपुताना, क्या इतिहास है। एक बार जोर से बोलेंगे, भगवान श्री रामचंद्र की, दुर्गा मैया की, यही नारे लगे होंगे उधर भी, यही जोश होगा उस दिन भी। और यही मई जून का महीना था, और मई जून के महीने में 3 दिन तक सिर्फ लेकर गए तो बिना खाना के सिर्फ सिगरेट पानी तक नहीं लेकर गए। ये हमारे फौजी हैं, हम तो यहां पर एक दिन पानी नहीं आता तो तड़प जाते हैं। ये जिनको हमने हार पहनाए, इन्होंने जिंदगी अपनी निछावर कर दी, जवानी घिसा दी, इसलिए हम इनके सम्मान में खड़े हैं, इनका सम्मान है, इसलिए आज जसवां परागपुर महान है। और जब तक इनकी शान रहेगी, जसवां परागपुर महान रहेगा। वीर सैनिकों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज भी देखो हमारे लड़कों की पहली चॉइस क्या है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। 25,000 घर हैं जसवां परागपुर में, और कम से कम 25,000 घरों में 15,000 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जहाँ या तो कोई फौजी रहा, या तो कोई फौजी है, या तो कोई फौजी बनेगा। यह जसवां परागपुर की पहचान। जनरल बख्शी आए थे, जनरल बख्शी ने उस समय जैक राइफल के हैं, उनको जसवां परागपुर के अपने साथी मिले, और मैंने देखा है हाउ अ सोल्जर मीट्स अ सोल्जर, एक फौजी दूसरे फौजी से कैसे मिलता है, हमेशा छाती से। और फौजी का एक ऐसा चरित्र होता है, देता है तो हमेशा छाती देता है, पीठ नहीं देता। इसलिए फौजियों के लिए तालियां बजनी चाहिए, उनके चरित्र के लिए तालियां बजनी चाहिए। मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूं, मेरे पिताजी एयरफोर्स में रहे, 1960 में मैट्रिक करी, मेरे फूफड़ जी यहां पर नहरी पुखर से फौज में रहे, मेरे पिताजी के छोटे मामा आजाद हिंद फौज में रहे, मैं केंद्र विद्यालय में पढ़ा, फौजी वातावरण में पढ़ा, मेरे दोस्त कमोडर भी हैं, मेरे दोस्त ब्रिगेडियर भी हैं, मेरा भाई कर्नल भी है। जो फौज के वातावरण में पढ़ा है उसका चरित्र और फौजी के चरित्र में कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए जब सम्मान करने की बारी आए तो कहता है अगर चमड़ी भी उतार के देश के लिए देनी पड़े तो सबसे पहले फौजी के पास जाऊंगा, 2 गुण सीखूंगा और उस पर जिंदगी व्यतीत करूंगा। इसलिए भी मैं फौजियों का सबसे बड़ा फैन हूं, क्योंकि 1,25,000 के बराबर अगर एक है तो वो सिर्फ हमारा फौजी है। आज यहां पर ऐसे भी फौजी हैं मेरे बीच में, मैं उनके घर गया, बस्सी से आए हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, उनको मैंने सम्मानित किया, ब्लास्ट में आंखें चली गई, हाथ कट गया, आज कारगिल विजय दिवस मनाने बस्सी से बनी आए हैं। और मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, वो सुन सकते हैं।
उन्होंने फौज को देखा है, आज भी फौज को जीते हैं। ऐसे फौजी भी हमारे जसवा परागपुर के हैं, कीर्ति चक्र ऐसे भी हैं, वीर चक्र ऐसे भी हैं, कई तो ऐसे गुमनाम हैं जिनकी कहानियां ही हमें नहीं पता। कारगिल विजय दिवस के दिन आज हम उनको भी तो याद कर लें जिन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम इतना किया। उस समय प्रेम कुमार धूमल जी थे, उन्होंने मेरे को एक बात सुनाई। मैं कालिया जी के पिताजी से मिला और उन्होंने ये बात पे मोहर लगाई, एक फौजी जिसका पार्थिव शरीर आना है और उसके माँ बाप उस समय चंडीगढ़ में पहुंचे और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उधर है और पार्थिव शरीर लेने गए, उनके साथ में एक और परिवार गया और जो एक और परिवार गया उस समय खबर आई कि विक्रम बत्रा जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। तो कालिया की माँ दूसरे शहीद विक्रम बत्रा की माँ को बोलती है, भैने ये देश के निछावर वास्ते ही होते ना, और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये हिमाचल की पहचान है, ये हिमाचल का जज्बा है। ऐसे ही नहीं कहते कि इस डोगरा रेजिमेंट में और बाकी रेजिमेंटों में आप देखिए प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा देखिए, राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा देखिए, तिब्बत पे हमारी फोर्स देखिए, सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर हिमाचली मिलेंगे। हमारे तो चरित्र में है, हमने तिब्बत पर भी राज किया और आपको बता दूं ये हिमाचल के लोग होंगे जो पहली बार तय करेंगे कि आज कैलाश पर्वत चीन में है और वो समय भी आएगा जब हिमाचली तय करेंगे कैलाश पर्वत हिमाचल का हिस्सा है और बिना पासपोर्ट के केवड़िया यात्रा वाले वहां तक जाएंगे। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्या होता है, ये बाज आते ही नहीं हटते ही नहीं, अधिकृत क्या होता है। भगवान मेरे फौजियों में ऐसा बल देना, मेरे राजनीतिक नेताओं में ऐसा बल देना कि अगर हमको एक मौका मिले कि उस हिस्से को भी जो भारत का है हम अपने जीवन काल में जोड़ पाए, हमारी हड्डियां भी देश के नाम, हमारा खून भी देश के नाम और हमारे सारे संसाधन भी देश के नाम। जब यहां पर हमने मेडिकल कैंप लगाया, कई फौजी आए, हमने सम्मानित किया, हमने ये नहीं पूछा जी आपकी रेजिमेंट क्या थी, उन्होंने अपने गौरव इतिहास को बताया। और ये वही कारगिल का युद्ध है जहां पर योगेंद्र को गोलियां भी लगी पर वो ग्रेनेडियर अपनी चढ़ाई चढ़ता रहा और अकेले उसने इतने धाराशाही किए कि बाद में उसको परमवीर चक्र मिला और वो जीवित है और आज भी हमें अपनी कहानियां सुनाता है। ये वही कारगिल का क्षेत्र है जहां पर हमने पिछली बार जब मैंने टोरा जी से बात करी और हमने बोला कि फौजियों का सम्मान करना है, हमने 5 जगह कार्यक्रम रखे और हमने फौजियों को सम्मानित किया। जब इस बार कार्यक्रम की बारी आई हमने बोला भगवान एक मौका जरूर ऐसा देना जब अंबर भी छट जाए, निब्बल हो जाए और सारे फौजी 62 पंचायतों के आके एक छाया में कहें गर्व से भारत माता की। ये जज्बा, ये उठे हुए हाथ, ये अपने साथियों को याद करते हुए हाथ। बस्सी का एक सैनिक यहां पर वो भी है जिसने जो विक्रम बत्रा के साथ युद्ध लड़ा और आज हमारे बीच में बैठा है, क्या पल अनुभव कर रहा होगा। उस समय तो सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी दिन आएगा कि बणी में भी इसकी जय जयकार होगी। संजय पराशर जब तक जीवित है और संजय पराशर जब तक सांस ले रहा है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाता रहेगा और शहीदों के जितने मेले लगे उनमें पूरी जनता के साथ सल्यूट देता रहेगा। पिछली बार जब कारगिल विजय दिवस मनाया मेरी इच्छा हुई कारगिल जाने की, सिंधु नदी के किनारे चलता हुआ, जनशेर नदी के किनारे चलता हुआ मैं ले से बाई रोड गया, मैंने भी देखना था कारगिल किसे कहते हैं और मैंने भी देखना था कहां खून बहाया गया, मैंने भी टाइगर हिल देखी, टोलिंग कहां से दिखती है और अपना बटालिक सेक्टर कहां है, कौन सी सड़कें जाती हैं।
कहां पर से लोग नजर लगा के बैठे हुए थे और हमने उनकी आंखें निकाली। ऐसे विजय स्मारक देखने जाने की मेरी इच्छा ही, और मैं गया। पिछले साल मैं वहां पर गया और वहां पर वीर गाथाएं लिखी हुई हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आंखों से आंसू इसलिए नहीं निकलेंगे कोई शहीद हुआ, आंखों से आंसू इसलिए निकलेंगे कि अरे मेरी बारी क्यों नहीं आई, काम तो मैं भी करना चाहता था। जो सैनिक है वो लड़ रहा है, और जो सैनिक नहीं है वो सैनिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है। और मजेदार बात देखिए, लड़ने वाले 20 और आर्म्स एंड एम्युनेशन उठाकर करगिल की चोटियों तक, चाहे जो भी चोटी थी वहां तक पहुंचाने वाले 40। और आप उम्र देखिए जो वहां पर शहीद हुए, कई तो ऐसे थे जिन्होंने चिट्ठी लिख दी कि हो सकता है ये मेरी आखिरी चिट्ठी हो। और वो चिट्ठी तब पोस्ट की जाती है और तब भेजी जाती है जब सैनिक शहीद हो जाता है। सैनिक को पता होता है कि मौत का मंजर सामने खड़ा है, लेकिन सैनिक जब अपनी ड्यूटी देता है उसको मौत का मंजर नजर ही नहीं आता, उसको नजर आता है तो सिर्फ तिरंगा, सिर्फ तिरंगा, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं, बाकी सब इसके नीचे, सब इसकी छाया में। संजय पराशर जहाज पर जाता था, समुंदर की नौकरी करता था। मैं जहाज पर 4 चीजें लेकर जाता था। पहले तो मैं भारत का तिरंगा लेके जाता था, भगवत गीता लेके जाता था, बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति और साईं बाबा जी की फोटो, 4 चीजें लेके जाता था। इसलिए लेके जाता था, भगवान ना करे कभी ऐसा पल हो कि जहाज डूब जाए, कम से कम मेरा तिरंगा तो मैं लिपट लूं। तो ये मत सोचना कि जो फौजी के बच्चे हैं वो सिविलियन होते हैं, फौजी के बच्चे भी पूरे फौजी होते हैं, ऐसा मेरा मानना और मेरा नहीं है। हमारे बीच में कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने कई गवा दिए, पर देश के लिए जो आपने कमाया, आपके चरण धोकर भी हम पिए सारी जिंदगी तो भी कम है। आपको लगता है आपने सिर्फ ड्यूटी दी, पर आपको मैं बता दूं आपने सिर्फ ड्यूटी नहीं दी, ये जो झंडा फहराते हैं इसमें जो सांसों की हवा चलती है ये आप हमें देते हैं, ये फौजी हमें देते हैं। ये जो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वाली बात है ये सिर्फ फौजी जानते हैं, क्योंकि जब अनुज नैयर ने पहाड़ी पर चढ़कर विजय प्राप्त की और जब विक्रम बत्रा ने भी विजय प्राप्त की और झंडा फहराया, खाना नहीं था, राजपूताना के कैप्टन भी ऊपर चढ़े उनके पास भी खाना नहीं था, खाना लेके ही नहीं गए तो होना कैसे था। और उन्होंने जब वहां पर से नीचे से जो सेनाएं आनी थी और दुश्मन ऊपर बैठा है, आप नीचे हो, कुछ चढ़ गए, आपको हैरानगी होगी कि थोड़ा सा नीचे उतर के बंकर में किचन बनाई थी पाकिस्तानियों ने। हमारे फौजी वहां पर से जुनून में अपने स्मोक बॉम्ब मारते हुए उसके अंदर गए, कराची हलवा भी मिला, सब प्रकार की मिठाइयां भी मिली, पूरी छोले भी मिले, आलू पूरी भी मिली। पाकिस्तानी तो सोच के बैठे थे हम मीठा खाएंगे, इनकी तो किस्मत ही खराब है कि मीठा भी हमारे लिए बनाकर गए, और हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया कि आपके अगर इरादे अगर ईमानदारी वाले नहीं है, 90 दिन में हमें आपका खात्मा करना आता है, और ये भारत फौज की ताकत है। और जनरल मलिक जो उस समय थे, जो हमारे वेद प्रकाश जी थे, मैं चाहता हूं उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। जितनी भी वीर गाथा गाएं कम है, -20 डिग्री में कैसे चढ़े होंगे, यहां पर खड़ी चढ़ाई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, 40 सीढ़ियों में दम निकल जाता है, और हमारे वालों ने कितनी 17,000 फीट 17,000 फीट खड़ी चढ़ाई और साथ में बंदूकें, क्या जज्बा रहा होगा। आज हम उस जज्बे को याद करते हैं, इसी बड़े पल के लिए हमको लगता है शहीदों को नमन जरूर करना चाहिए। जो समाज अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकता, जो समाज अपने शहीदों को लेकर एकत्रित होकर नहीं चल सकता, जो समाज अपने वीरों को उनकी जो गाथाएं हैं बच्चों तक नहीं पहुंचा सकता, वो समाज नहीं टिकता। एक देश ऐसा भी है दुनिया में जहां पर 19 साल में धर्म प्रवृत्ति बदल गई और पूरा देश दूसरे धर्म का हो गया, और एक हमारा हिमाचल प्रदेश, प्रदेशों में प्रदेश, अकेला हिमाचल प्रदेश। हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियां दी कि अगर सनातन धर्म की बात करें
5000 साल से भी ज्यादा पद्धति वाला प्रदेश हिमाचल प्रदेश, और हम लड़े, हमेशा लड़े, हमने अपनी पूजा की पद्धति नहीं बदली। इसलिए सारे हिमाचल वासियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज उनकी बदौलत हम यहां पर मंदिरों में बैठे हैं। ये भी नजारा कहीं कहीं होता है, देखिए मंदिर में भी तिरंगे लगते हैं, होटलों में तिरंगे लग सकते हैं, स्कूल में तिरंगे लग सकते हैं। ये हमारे भारत की विशेषता है कि मंदिरों में भी तिरंगे लगते हैं। और मैं तो भगत सिंह का वो गाना हमेशा अपने आप में गाता रहता हूँ, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 1931 में भगत सिंह चला गया, 23 साल की उम्र, माँ की छाती पे क्या गुजरा होगा 23 साल की उम्र। आज भी वो 23 साल का भगत सिंह पूरे देश के लिए एक ऐसा चरित्र है जो सब जीना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए भी कुर्बानियां दी, आजाद हिंद फौज खड़ी करी, ऐसे सुभाष बाबू के लिए नमन करते हुए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कितने हमारे हिमाचल के फौजी आजाद हिंद फौज में थे, इसलिए जब यहां पर हमारे जनरल साहब आए, बख्शी साहब, बड़ी बड़ी मूछों वाले, उन्होंने दमखम से कहा, मेरे को एक वचन भी मेरे से लेकर गए, बोलते संजय जी अगर आपने कभी भी जिंदगी में समाज के लिए देश के लिए काम करना है, वर्क लाइक अ सोल्जर, एक फौजी की तरह करना, मरे तो भी समाज के लिए, दीजिए तो भी समाज के लिए। और संजय पराशर अपने पूर्वजों की कसम खाता है, हर फौजी को प्रणाम करते हुए उसके चरणों की धूल अपने सर माथे लगाकर कहता है, जिएगा तो समाज के लिए जिएगा, ईमानदारी से एक एक सांस का हिसाब देगा, और जब मरेगा चिंता मत करना, देश के लिए काम करके गया होगा, और वही शमशान घाट में जाएगा स्वर्ण में, जहां पर साधारण जाते हैं, क्योंकि मैं साधारण हूं, मेरे में आप में कोई फर्क नहीं है। आज जो हम स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं, मेरा निवेदन रहेगा सब फौजी भाइयों से, अपनी खरी कमाई से 2 रुपए जोड़कर, जिसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ी और मैंने खुश होकर मेहनत करी, और उसके बाद ईमानदारी से एक इतना प्यारा सा मोमेंटो बनाया, जब आपके घर में रहेगा। आइए हम अपने वीर सैनिकों को हमेशा याद करते रहें, संजय पराशर आएगा, संजय पराशर जाएगा, चर्चाएं आएंगी, चर्चाएं जाएंगी। एक बात पक्की है कि जय जवान जय किसान का नारा अमर था और अमर रहेगा, और इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मिलकर बोले, मैं पहले बोलूंगा जय जवान, आप बोलेंगे जय किसान, और जब मैं बोलूं जय किसान, आप बोलेंगे जय जवान। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरी भारत माँ तू हमेशा अमर रहे, और तेरे माथे पे अगर मेरे खून के 2-4 छींटे भी चले जाए, तो मेरे अगर 100 जन्म भी हो, तो माँ अपने आंचल में जन्म देना, पर अगर हिमाचल में देगी तो मैं ये मानूंगा मेरे भी कर्म अच्छे थे। जय माता दी, जय बापे दी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।